तानाशाह डिक्टेटर को लगता है कि वो शेर की सवारी कर रहा है, लेकिन गलती से अगर वो नीचे गिर जाए तो वही शेर उसको खा जाता है। ये तानाशाहों के बारे में कहा है विंस्टन चर्चिल ने। ईडी सीबीआई का किस तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है हम आप देख ही रहे हैं। कल रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अचानक सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन को वापस ले लिया। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट होता तो उनके लिए और मुश्किल हो जाती, फिर वो कहाँ जाते। इसलिए पहले वो लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, और फिर वहां से भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी वजह बताई जा रही है बेला त्रिवेदी। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। अरविंद केजरीवाल मामले में तीन जजों की बेंच में एक ये भी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुनवाई वाली बेंच में भी ये शामिल थी। और हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, उनकी पिटीशन खारिज हो गई थी। आर्टिकल 14 वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 8 पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस बेला त्रिवेदी को मिले हैं, जिसमें उमर खालिद का केस भी शामिल है। त्रिवेदी इससे पहले मोदी सरकार के अंडर एज अ लॉ सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की टीम को जानकारी मिली कि इस केस की सुनवाई करने वाली बेंच में बेला त्रिवेदी, उनकी टीम ने अपनी पिटीशन वापस ले ली। इसके अलावा एक और तानाशाही वाली खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। गोदी मीडिया तो लग गया है इन तानाशाही फैसलों को जस्टिफाई करने में, लेकिन आइए जान लेते हैं कि ये मामले हैं क्या, ताकि इस तानाशाही के दौर में न्याय मिले या ना मिले, सच्चाई मगर दर्ज होती रहनी चाहिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते सामने आए इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आने के बाद बीजेपी की हालत खराब है। वो कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे से सबका ध्यान हटे, इस पर चर्चा ही ना हो। इसलिए पहले सीए लागू किया गया, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, और अब सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया, जिससे ये भी एक साफ संकेत पता चलता है कि कहीं ना कहीं साहब शायद डर भी गए हैं और पूरी तरह से एजेंसियों को अपोजिशन लीडर्स के पीछे लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई गलत है तो उसको सजा ना हो और कोई करप्शन करे तो उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, बिल्कुल चाहता हूं। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं की क्यों हो रही है? बीजेपी में शामिल हो जाने वाले नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? शारदा घोटाले वाले शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, खनन घोटाले वाले बीएस येदियुरप्पा, 6,000 करोड़ के गबन वाले विजय कुमार गावित, ऐसे कई नाम गिना सकता हूं जिनको क्लीन चिट थमा दी गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसलिए कानून और नियम की बात करके बीजेपी के इस काम को सपोर्ट कर रहे हों तो थोड़ा इनके कांड पर भी नजर डाल लीजिए। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजरीवाल का पूरा मामला है क्या, कांग्रेस का खाता फ्रीज करने वाला मामला क्या है, और जानेंगे क्यों वाकई अब इस देश से तानाशाही की बू आने लगी है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव आ गए हैं और इलेक्शन से पहले अपोजिशन को इस तरीके से तोड़ना मरोड़ना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक साजिश है। सबसे पहले जानते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। दोस्तों, नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था लिकर पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए शराब की रिटेल सेल करने से और प्राइवेट ट्रेडर्स को लाइसेंस दिया कि वो शराब के ठेके खोलें और शराब बेचें। इसे पास किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। फिर जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया कि इस पॉलिसी में कई लॉज का वायलेशन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली के गवर्नर विनय कुमार मांग करने लगे कि इस पूरे मैटर की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। वो ये कह रहे थे बेस्ड अपॉन जो रिपोर्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जमा की थी, जिसके हिसाब से लिकर पॉलिसी 4 नियमों का उल्लंघन करती है, जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010। चीफ सेक्रेटरी साहब का तो ये भी कहना था कि लाइसेंस को अनडू बेनिफिट्स दिए गए हैं, पर कमाल की बात तो यह है कि दोस्तों, इन चीफ कमिश्नर साहब के बेटे पर भी करप्शन का केस ऑलरेडी चल रहा है। खैर, सितंबर 2022 में उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाता है, फिर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई का आरोप लगाना है कि इस पॉलिसी को बनाने के पीछे लिकर कंपनियों का ही हाथ था, क्योंकि इससे उनका सीधा सीधा 12% का मुनाफा होता होलसेल साइट पर सेल करने से। सीबीआई का ऐसा दावा करना है कि साउथ लॉबी के ग्रुप के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। साउथ लॉबी ग्रुप, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं, जिनमें से लगभग सभी ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी का ऐसा कहना है कि टोटल 32 जोन्स में से 9 जोन्स इस ग्रुप को दिए गए थे, जिसके पीछे ये साजिश थी कि शराब बेचकर जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा ये कंपनियां आम आदमी पार्टी को देंगे। इनफैक्ट ईडी का तो ये भी कहना है कि इस ग्रुप ने 100 करोड़ पहले से ही पे किए थे ताकि ये पॉलिसी बनाई जाए, यही वो स्कैम है जिसकी वो चर्चा करते हैं। अब ये एलिगेशंस कितने
सही हैं, इसकी जांच पड़ताल होना बाकी है। अब तक इस केस में ईडी 32 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में अरेस्ट किया गया था, तब से अब तक वो जेल में ही है। इसी बीच अब तक 2 बार उनकी बेल को डिनाई कर दिया गया है, पर अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया जिसके बेस पर ये कहा जा सके कि उन्होंने स्कैम किया है या फिर उनका स्कैम में हाथ था। फिर भी उन्हें कस्टडी में रखे हुए है ईडी। उन पर केस को इतनी स्ट्रांगली बनाया गया है कि उनकी बेल याचिका को, बेल पिटीशन को बार बार खारिज कर दिया जाता है, सिर्फ इस बेस पर कि ईडी अभी इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है कि कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। लेकिन सोचकर देखिए कि बिना प्रूफ हुए कि उन्होंने क्या स्कैम किया है, इतने वक्त से ईडी ने उन्हें जेल में रखा है। मान लीजिए कल को यह साबित होता है कि उन्होंने स्कैम नहीं किया, तो ये जो वक्त उन्होंने जेल में बिताए उसकी भरपाई कौन करेगा? ईडी तो बस चुपचाप बोल देगी कि साहब हमसे गलती हो गई थी। पर ऐसा बीजेपी के मिनिस्टर्स के साथ क्यों नहीं होता? बीजेपी जाते ही लोगों को क्यों क्लीन चिट मिल जाती है? इससे पहले ईडी अरविंद केजरीवाल को 8 समन्स दे चुकी थी, इस बार फाइनली उन्हें अरेस्ट किया गया। उन पर ईडी का आरोप है कि वो वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे बिहाइंड लिकर पॉलिसी। अब हो सकता है कि इस क्लेम को साबित करने के लिए ईडी को 1 या 2 साल लग जाएं, और तब तक क्या होगा? लोकसभा चुनाव से पहले एक सीएम को इस तरह अरेस्ट करना डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो पहले भी ऐसा कह रहे थे कि ईडी उन्हें अरेस्ट करने को इतना उतावली इसलिए है क्योंकि 2024 जनरल इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और बीजेपी डरी हुई है कि हम अपना कैंपेन सही से न कर पाए। अब इस बात पर आपको यकीन है या नहीं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर एक बात तो है कि बीजेपी डरी जरूर मालूम पड़ती है, तभी तो कांग्रेस पार्टी का खाता ही फ्रीज करा दिया। आइए इस मामले को भी जान लेते हैं। हमारा आपका खाता फ्रीज हो जाए तो काम रुक जाते हैं, सोचिए पार्टी का खाता फ्रीज हो जाए तो कितनी मुश्किल होती होगी, वो भी चुनाव से एन पहले। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी अपने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इलेक्शन डेट्स बाहर आने के बाद पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के अकाउंट में पैसे भेजती हैं ताकि वो इफेक्टिवली अपना कैंपेन कर सकें, कैंपेन को रन कर सकें, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। दरअसल इनकम टैक्स वालों का ऐसा आरोप लगाना है कि 1994-95 और 2018-19 में कांग्रेस ने अपना टैक्स पे नहीं किया था और उस टैक्स को ना पे करने की वजह से ही उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। टोटल अमाउंट 115 करोड़ रुपए तक का है, जिसे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार फ्रीज करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर डाले। सोनिया गांधी का तो यहाँ तक कहना है कि उनसे जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देखो, जब 115 करोड़ रुपए तक पर ही फ्रीज करने को बोला गया था तो सारे पैसे को फ्रीज करना कैसे जस्टिफिएबल हो सकता है, कैसे सही हो सकता है? ये क्लियरली दिखाता है कि किस हद तक साजिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन को ना कर पाए, उनके कैंपेन में रुकावट डालने के लिए। अपोजिशन को खत्म कर दो, फिर तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, और जब खड़ा ही नहीं होगा तो लड़ेगा कौन? ऐसे एक्शन जो हमें दिखाते हैं उसे हम इंग्लिश में वन नेशन वन पार्टी रूल के नाम से जानते हैं, जहां पर पार्टी एक ही होती है, पूरे देश का मसीहा बनने का एक ही शख्स कोशिश करता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हो चुका है, उनके खातों को फ्रीज किया जा चुका है और अब अभी भी किया जा रहा है। 2020 में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था FCRA में अमेंडमेंट करके। फंड्स की सेंसरशिप तो चली रही थी और कोशिश की गई थी कि इस देश में बाहर से आया पैसा देश विरोधी काम में इस्तेमाल ना हो, लेकिन हर बार ऐसा तर्क देकर बीजेपी बहुत सारे कानून ला चुकी है जो बाद में समझ आते हैं किस तरह से ये देश विरोधी कानून बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए और जनता के लिए घाटे का सौदा रहे। और एक और क्यूरियस फैक्ट ये भी है कि जिन जिन एनजीओस की फंडिंग पर रोक लगाई गई थी उन सब में एक कॉमन थीम ये थी कि वो सब बार बार मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर सरकार की खामियों को जनता के सामने ला रहे थे। शायद ये एक वजह थी कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि बाद में कर्नाटक के हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर इस तरह प्रतिबंध लगाना सरासर गलत है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं। ग्रीन पीस के साथ भी यही किया गया था, ये कोई नई साजिश नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। इसके अलावा मोदी एरा में हर साल लगभग 34 तक लोगों की गिरफ्तारी UAPA के अंदर की जा रही है। 2022 में जितने भी केसेस दर्ज किए गए हैं उनमें से 88% यूनियन ने NIA को ट्रांसफर किए थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि UAPA लगाकर जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे होते हैं, जो एक्टिविस्ट्स सरकार की खामियों को बाहर ला रहे होते हैं, उनको दबाया जा रहा है। इसके बहुत सारे फेमस एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, जब पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक अप्पन का मामला हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे उन पर फर्जी केस चलाया गया, उन्हें जेल में रखा गया और फिर अंत में पता चला कि उनके खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं था। लेकिन ऐसे सिस्टम का क्या फायदा जब किसी का टाइम
वेस्ट हो गया, पर रूलिंग पार्टी के लिए तो एक तोहफे जैसा है कि डिसेंट को वो आसानी से साइलेंट कर सकते हैं, वो अपना काम करते रहें और कोई कुछ ना बोले, इसलिए वो इसका आराम से इस्तेमाल करते रहे हैं। और जिसको सरकार यूपीए के जरिए नहीं रोक पाती है, अब उनके लिए एक नया इलाज ढूंढ रही है, और ये हैं न्यू आईटी रूल्स। इन्हें भी वही टैक्टिक इस्तेमाल करके लाया जा रहा है कि ये पूरी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर देगी, ये तो एक रिफॉर्म है, पर हकीकत ये है कि ये नियम इतने वेग हैं और इतनी ज्यादा अथॉरिटी देते हैं सरकारी लोगों को, जिसको सुनकर आप भी कहोगे कि क्या मजाक है। जैसे इस नियम के एक सेक्शन के मुताबिक, अगर अब आपने कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर डाला, उसके बाद सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए बंदे को अगर ऐसा लगता है, ध्यान दीजिए इस शब्द पर, कि अगर उसे लगता भर है कि इसमें कुछ एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, यानी देश के खिलाफ बोलने जैसा कंटेंट है, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे। बल्कि वो तो आपके स्टूडियो पर रेड करके आपकी चीज़ों को जब्त करके जमा भी कर सकता है। इसमें नया क्या है, पहले ईडी नेताओं के घर पर छापे मारते थे, इन्हें निशाना बनाने के बाद पत्रकारों के स्टूडियोज पर भी छापे पड़ने लगेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि क्या ये इंटरनेशनल होगा, यानी क्या इस देश की इंटीग्रिटी को तोड़ेगा? इसको भी वही बंदा डिसाइड करेगा जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है। कोई सेंसर्स बात की? इतना ही नहीं, अब तो डिजिटल सेंसरशिप तक बात पहुंच गई है। यानी आज के दौर में किसी को कोई भी चैनल खोलना है तो बस क्लिक करें और बना ले और शुरू हो जाए। लेकिन इन न्यू लॉज आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप किस फील्ड का कॉन्टेंट बना रहे हो, फिर अगर सरकार आपको अनुमति देगी तो ही आप बना सकते हो। पर इसी के साथ साथ सरकार के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो आपकी कोई भी वीडियो डिलीट करवा सकती है। यानी मान लीजिए अभी ये जो मेरा वीडियो है, इसमें मैंने सरकार के खिलाफ कुछ दो तीन शब्द बोले, वो बंदा जिसे अपॉइंट किया गया है इसे इंटरनेशनल के कैटेगरी में इंटरप्रेट करके मेरी वीडियो को आराम से डिलीट करवा सकता है। मोटा भाई की पूरी कोशिश है कि सब उनके पक्ष में ही बोलें और लिखें, जो उनके खिलाफ जाए उसे चुप कराने का ये अच्छा तरीका है। इसलिए तो मैंने ऐसा कहा कि जो यूएपीए से नहीं मानेगा उसे इस तरीके से मना लेंगे, और जो इस तरीके से भी नहीं मानेगा उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि कैसे इस देश में प्रोटेस्ट का जो एक कल्चर है, एक बुनियादी हक है, उसको दबाया जा रहा है। किसान आंदोलन जो अभी फरवरी में शुरू हुए थे, उसमें आपने खुद देखा होगा कि कैसे बॉर्डर अपने देश के अंदर ही बना दिए गए थे, सड़कों पर लोगों को लगाया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, उन पर लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। यानी हर कोशिश की गई कि कैसे इन किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। हालांकि उनके हिसाब से तो ये किसान थे ही नहीं, ये तो साजिशकर्ता थे, पर चलो ये मान भी लेते हैं। तो भी यूपी पुलिस पेपर लीक होने के बाद जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनके साथ भी तो व्यवहार किया गया, डंडा लेकर लोगों को, छात्रों को पीटा गया। ऐसा क्यों है कि बीजेपी इन प्रोटेस्ट करने वालों से इतने ज़्यादा घबराई रहती है? जैसे सीए नोटिफाई करने के बाद लखनऊ में पुलिस ने जगह जगह जाकर दौरा किया, लेकिन उसके पीछे मकसद ये था कि देखा जाए कि कहीं कोई प्रोटेस्ट तो नहीं करने आ रहा है बाहर। सरकार नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, लेकिन अगर कोई उसके समर्थन में कर रहा है तो उसे खुलकर बढ़ावा दे रही है। जैसा कि हमने अरविंद केजरीवाल के केस में देखा भी है कि जब उनके घर के बाहर सो कॉल्ड पाकिस्तानी लोग आकर प्रोटेस्ट करने लगे, उनके एक ट्वीट के बाद बाहर से आए देश के लोगों को हमारे वहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जो इस देश के नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है। अगर है भी सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि जब वो धरने पर बैठते हैं तो आपने भी देखा होगा कि पुलिस उनसे किस तरह का व्यवहार करती है, चाहे फिर वो रेस्लर हों या फिर स्टूडेंट्स, दोनों ही केस में नतीजा हमेशा सेम रहा है। मीडिया को अपनी जेब में रखकर चलने वाली सरकार ने देश को डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बना दिया है। वीडियो में एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया के सभी डेमोक्रेसीज पर नजर रखता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और उसकी खामियां क्या हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जहां पर चुनाव तो होते हैं लेकिन जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी से ही सरकार चलाते हैं। यानी नाम के लिए यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जनता का रूल है, लोकतंत्र है, पर हकीकत में ऊपर बैठे लोग ही सब डिसाइड कर रहे हैं, और हर बार वो इस तरीके से चीज डिसाइड करते हैं कि सब कुछ उन्हीं के फेवर में होता है। प्रेस फ्रीडम के मामले में हमारा देश इतना गिर गया है कि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी प्रेस फ्रीडम में हमसे ऊपर बताते हैं। सोचकर देखिए कितनी शर्म वाली बात है। लेकिन मीडिया को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इन इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेशनल घोषित करके लोगों को इस तरह से कन्विंस कर देती है कि इनका एजेंडा है भारत को बदनाम करना। लेकिन जो सोचने वाले शख्स हैं उन्हें ये बात मालूम है कि उनकी बताई बातें कितनी हकीकत हैं, वो भी मीडिया कितना सच बोलता है। एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में डिसेंट को साइलेंट नहीं किया जाता है, बल्कि उसे बढ़ावा दिया जाता है। क्रिटिसिज्म को दबाया नहीं जाता है बल्कि बढ़ावा दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है इससे तो आप भी परिचित हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईआरएस। आज की तारीख में ये सब संवैधानिक संस्थाएं
इंडिपेंडेंट केवल नाम के लिए हैं, क्योंकि हकीकत में तो इन सब की चाबी रूलिंग पार्टी के हाथ में ही है और वो उसे अपने फायदे के अनुसार चलाती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि एक पार्टी के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए जाते हैं और वो अपना कैंपेन लड़ने के लिए पैसे नहीं खर्च कर पाती है, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जो खुद को बहुत ईमानदार दिखाता है इन मैटर्स पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता है। अब चाहे फिक्स मैच ही क्यों ना खेला जाए, उसे सिर्फ इलेक्शन कराने से फर्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता है कि ये मैच फेयरली खेला जा रहा है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले अरुण गोयल जो एक कमिश्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद दो नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, पर बात तो ये है कि इन्हें अपॉइंट सरकार ने अपनी तरफ से किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा एडवाइस दे चुकी थी कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए जो कमेटी बननी चाहिए उसमें तीन लोग होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर एंड CJI, पर ऑर्डिनेंस लाकर रूलिंग पार्टी ने इसे भी खारिज कर दिया। इन सारे अटेम्प्ट्स को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि देश में, हमारे देश में आज भी डेमोक्रेसी है? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।